ले रहे हैं हम, ये कप ले रहे हैं। अब इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा मीठा पसंद है तो आप मीठा ले सकते हैं। तो इसमें हम 120 ग्राम हम चीनी ले रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं ले रहे हैं हम, उसमें से हम आधा बचा रहे हैं, क्योंकि चीनी हमारे घर में ज्यादा लोग मीठा पसंद नहीं करते हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर हम डाल देंगे टेस्टिंग के लिए, और इसमें दो से चार हम केसर के धागे डाल देंगे। घर में है केसर के धागे तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये देखिए दो चार हम डाल देंगे, इससे कैसा है कलर अच्छा बनती है, इसलिए हम केसर के धागा डाल के हम बना लेंगे। और चीनी को हम कम कर लिए हैं, चाहे तो आप ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा अगर बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल दिए गए, नहीं तो एक लीटर दूध के बना रहे हैं तो मिठाइयाँ तो कौन सा भी मिठाई थोड़ा मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन ये ज़्यादा मीठा नहीं है, हम हिसाब से लेके बना रहे हैं। और ये मामा को ना आपको ज़्यादा दरदरा दिख रहा है, तो इस तरह से इनको हम पतला करेंगे, सूजी का जैसा हम बनाएंगे, एकदम सूजी जैसे रहती है ना बारीक, उस तरह हम बनाएंगे मावा को। ये देखिए बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये इसमें थोड़ा दाना दाना दिख रहा है तो ये जो है ना इसको आप इस तरह से पतला कर सकते हैं, दाना दाना नहीं दिख रहा है, एकदम मावा हमारा सूजी का जैसा बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं, बस दूध के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हाई फ्लेम पर शुरुआत में बनाइएगा, अगर जब दूध कम हो जा रहा है पूरे जल जा रहा है तो आप गैस के एकदम लो फ्लेम पर ये दूधों के एकदम जला के मावा बनानी है। हम एक लीटर दूध से बनाए हैं, आप चाहे तो आप ज़्यादा से बना सकते हैं, तो एक लीटर में इतना सारी मावा निकला है। तो देखिए ये मावा की मिठाई हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब इसको हम जमाएंगे एक प्लेट में। ये पेपर भी नहीं है तो आप घर में सिर्फ प्लेट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा देंगे कि हम आसानी से हमारा मिठाई निकल जाएगी। तो देखिए हम निकाल देंगे, इसी में ये मिठाई ना मावा की मिठाई एकदम मोटा बनता है। अब मोटा पतला कुछ भी कर सकते हैं, हमको बेचना थोड़ी है, हमको तो खाना है। तो इसी में हम सब मावा की मिठाई को हम डाल देंगे। अभी गर्म है तो हम इनको ठंडे होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद में इनको हम फिर काटेंगे। हम क्या है ना, हम जब किन कर खाते ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचा चलो भाई आज घर में क्यों नहीं बना लेते। तो देखिए इसको आप जिस तरह से आप चाहे जमा सकते हैं, लंबा आकार में बना लीजिए या गोल में कर लीजिए। तो ये हम गोल में नए वीडियो के साथ हमें